जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urdu-id-academy.com। माय नेम इज़ अब्दुल फहद और आज हम लेक्चर नंबर 40 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम गूगल क्लाउड के एड्स की सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर मेरे पास कंटेनर्स और डॉकर की लैब है इंशाल्लाह। सो मूविंग फॉरवर्ड हम जंप ऑन करते हैं लैब की तरफ। सो हमारे पास एक टास्क क्या होगा इस लैब का? टास्क ये होगा कि हमने एक कंटेनराइज एप्लीकेशन बनानी है और उसको डॉकर के ऊपर स्पिन अप करना है या रन करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सबसे नीचे आ जाऊँगा। तीन हमारे टारगेट्स होंगे इस लैब के अंदर। टारगेट्स क्या होंगे? हमारे पास डॉकर इमेज बनानी है। सबसे पहले इमेज बनाई, उसके बाद उस इमेज को पुश किया रजिस्ट्री पे, उसके बाद उसको कंटेनर पे स्पिन अप कर दिया। तीन स्टेप्स होते हैं, इमेज बनाना, रजिस्ट्री में रखना, उसके अलावा उसको स्पिन अप करके चला देना। कोड करो, इमेज बनाओ, रजिस्ट्री पे पुश करो और चला दो। तीन स्टेप्स होते हैं हमेशा। सो मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, क्विक लैब्स का अपना। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ कंसोल, मैं यहाँ से लैब का आईडी डालता हूँ, मैं यहाँ से अपना कंसोल ओपन करके पासवर्ड डालता हूँ। सो मेरा गूगल क्लाउड का जो शेल है वो इनिशिएट हो गया, जिसके ऊपर मैं अपनी लैब परफॉर्म करूँगा। सो इसको मैं एक नई प्रोफाइल बना लेता हूँ। ये मेरा प्रोफाइल आ गई है फॉर अवॉइडिंग एनी बग्स। सो सबसे पहले क्या होगा कि हम क्या करे जाएंगे कि हम टू इंस्टॉल इवन अ सिंपल वेब सर्वर यू विल हैव डिपेंडेंसीज लाइक एप्ट और पाइथन फॉर डिप्लॉयमेंट। कहता है ये कि सबसे पहले आपके पास कोई सिंपल सा वेब सर्वर चलाना हो तो आपके पास डिपेंडेंसी या प्लगइन चाहिए होते हैं उसके लिए। वर्जन फॉर डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंटली चेंजेस। वो कहते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी के वर्जन बहुत ही चेंज होते रहते हैं। सो इट इज यूजफुल टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लेटेस्ट डिपेंडेंसी एट इंस्टॉलेशन टाइम। तो क्या ये नहीं कि सबसे पहले आप क्या करें कि आप ना बेहतर ये होता है कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट करें ताकि लेटेस्ट डिपेंडेंसी आपको मिले इंस्टॉलेशन के टाइम में। ठीक है, रन द वेब सर्वर मैनुअली टू सी द स्टेप लेटर यू विल ऑटोमेट द प्रोसेस टू रन ऑन अदर मशीन। सभी पहले कहते हैं मैनुअल चलाओ वेब सर्वर को, फिर इसको ऑटोमेट करेंगे। सो कहता है कि आप इसको लैब को ओपन करें। यहाँ एग्री कर दिया मैंने। लैब कहाँ से ओपन होगी? मेरा कंसोल आ गया, इसको मैंने क्लिक किया शेल पे। ये शेल का ऑप्शन है क्लाउड शेल का, इसको मैंने किया यहाँ से और इसे मैंने थोड़ा किया ऊपर बढ़ा। ये मेरा क्लाउड शेल ओपन हो रहा है। क्लाउड शेल एक विंडोज ओके क्लाउड शेल हमारे पास एक लिनक्स बेस्ड मशीन होती है जो कि गूगल क्लाउड में देता है अपने अकाउंट के साथ बाइंड करके, जिसके ऊपर हम कोडिंग रन भी कर सकते हैं, कोड को भी कर सकते हैं। सो कोड इट करता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट को प्ले अराउंड करता हूँ, ये लोड हो जाए, मेरी मशीन पर रन हो रही है। सो वो कहता है कि आपके क्लाउड शेल के अंदर एक किक स्टार्ट का फोल्डर है, इसके अंदर जाइए। तो मैं सबसे पहले इसे बड़ा कर लेता हूँ, इसको लार्जेस्ट पे ले जाता हूँ, क्लियर करता हूँ। ये एक लिनक्स का शेल है, यूबंटू का। सीडी किक स्टार्ट किया, इस फोल्डर में आ गया। सो यू शुड सी यहाँ पे द सोर्स कोड फॉर दिस लैब इज अवेलेबल एट दिस स्विच टू डैट डायरेक्टरी। सो किक स्टार्ट का जो फोल्डर है नॉट एबल टू फाइंड दैट, जस्ट लेट मी चेक दैट कि ये फोल्डर कहाँ पे है। इफ द डायरेक्टरी इज नॉट देयर गिव द इंस्टेंस अ फ्यू मिनट्स टू गेट फुली प्रोविजन। ओके थोड़ा सा मिस कर गया मैं, गेस सॉरी। लैब स्टार्ट यहाँ से हो रही है सबसे ऊपर से। यहाँ पे कहते हैं कि इंस्टांसिस में जाएंगे और आपके पास ना आपका एक इंस्टांस बना हुआ इस नाम का। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ। इस लैब के अंदर इसने एक वर्चुअल मशीन बना के दी है जिसके अंदर मेरा कोड छोड़ रखा हुआ है। सो मेरा कोड इस मशीन के अंदर रखा हुआ है, इसको मैं एसएसएच करता हूँ, मतलब कि रिमोट करता हूँ। लिनक्स को हम एसएसएच करते होते हैं, रिमोट एक्सेप्ट नहीं होता। अब ये प्रवीण हो रही है वर्चुअल मशीन, और इसके बाद यहाँ पे मैं प्रवीण करने के बाद क्या करने लगा हूँ। यहाँ पे बताता है कि आपका इस तरह का इंस्टांस होगा, उसके अंदर एसएसएच करें। मैं एसएसएच पे आ चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका कोई किक स्टार्ट का फोल्डर होगा, उस फोल्डर में आपने जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर में जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, फॉन्ट को मैं कर लेता हूँ लार्ज, बल्कि मैं लार्जेस्ट कर लेता हूँ ताकि रीड में किसी को इशू ना हो। और आप एक वेब सर्वर पे कोड को चला रहे हैं, फिर हम उसे कंटेनराइज में चलाएंगे। क्लियर किया, एलएस किया, एलएस लिस्ट। सो एलएस किया, लिस्ट किया, ठीक है। सो सीडी स्लैश किक स्टार्ट रूट के अंदर एक किक स्टार्ट का फोल्डर पड़ा हुआ है, मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ। एलएस किया,
लिनक्स के बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है क्लाउड पे काम करने के लिए। चाहे किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हैं तो लिनक्स आपको मस्ट सीखनी पड़ेगी। एलएस की या लिस्ट, इसके अंदर तीन फाइल्स पड़ेंगी, एक डॉकर फाइल है, एक रीडमी और एक वेब सर्वर डॉट पाई, एक पाइथन के अंदर कोई वेब सर्वर लिखा गया है। सो मैंने एलएस माइनस एलएस किया तो बताता है कि आपके पास डॉकर फाइल होगी, एक वेब सर्वर होगी, सिंपल पाइथन एप्लीकेशन डायरेक्ट रन सा वेब सर्वर विच रिस्पॉन्स टू एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑन लोकल होस्ट 8888 एंड आउटपुट द होस्ट नेम। कहता है कि आपके होस्ट नेम को प्रिंट कर देगी एप्लीकेशन ये और एचटीटीपी के 8888 पोर्ट के ऊपर चलता है। सो कहता है इसको चलाने के लिए आपको सबसे पहले ना डिपेंडेंसीज चाहिए, इसको चलाने के लिए डिपेंडेंसीज चाहिए। इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन एंड पिप। तो ये पाइथन के प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें डिपेंडेंसी चाहिए होती हैं। इन्हें इंस्टॉल करने के लिए मैंने कमांड पुश की यहाँ पे, तो मेरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी हैं। उसके बाद टोनेडो की लाइब्रेरी भी चाहिए जो कि इस एप्लीकेशन चलाने के लिए ज़रूरी है। ये डेवलपर्स को पता होगा टोनेडो में जैसे कि लारावेल पीएचपी की होती है, इसी तरह टोनेडो का आई थिंक पाइथन की लाइब्रेरी है एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो सबसे पहले क्या कि मैंने इसके दो प्लगइन इंस्टॉल किए, पाइथन 3 और पिप 3। ये पाइथन को चलाने के लिए, वेब सर्वर को चलाने के लिए हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज या प्लगइन्स चाहिए होते हैं। फिर कोई फ्रेमवर्क किया जिस फ्रेमवर्क का नाम है टोनेडो। सो ये टोनेडो को करने के लिए क्या है कि मैं इंस्टॉल हो रही है मेरी चीज़ें, बेसिकली काफ़ी सारे पैकेज होती हैं जब आप एक कमांड चलाते हैं तो मल्टीपल पैकेज को इंस्टॉल कराता है, GCC, पाइथन 3 डेव, PKG डेव, G++, इसके अलावा CPP, फेक रूट, लिप पाइथन 3, लिप सी डेव, मतलब मल्टीपल पैकेज होते हैं। जब आप एक कमांड चलाते हैं तो पूरा का पूरा पैकेज आपकी यूबंटू में इंस्टॉल हो जाता है। अभी इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, जस्ट गिव अ मिनट। मेरे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं तो टोनेडो को इंस्टॉल कर लेते हैं, टोनेडो की जो लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, टोनेडो की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद क्या होता है कि रन द पाइथन एप्लीकेशन द बैकग्राउंड, कहता है कि बैकग्राउंड में पाइथन की एप्लीकेशन चलाएं। पाइथन 3 ये फाइल का नाम था, पाइथन वेब सर्वर डॉट पाई और एट द रेट ऑफ, कहता है बैकग्राउंड में इसको रन किया, ये बैकग्राउंड की प्रोसेस बता दी उसने। सो अब कहता है कि आप कर्ल करें दिस तो आपको ये बाहर रन हो जाएगी, ये मेरा होस्ट नेम प्रिंट करेगी। ठीक है, मैं इसे क्लियर करता हूँ। इस कमांड से कहता है कि आपका एक होस्ट नेम प्रिंट होगा, होस्ट नेम मेरा ये है। अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ इसके बाहर दिखाना चाहूँ तो किस तरह होगा, मैं पब्लिक आईपी कॉपी कर देता हूँ और आई गेस के यहाँ पे 8888 बता रहे हैं, 8888 सो HTTP। अगर यहाँ पे वेब वो फायरवॉल में अलाउ है अगर रूल 888 का तो ये व्यू करवाएगा, नहीं फायरवॉल का रूल यहाँ पे अलाउ नहीं होगा क्योंकि 443 और 80 अलाउ होता है। सो मैं लोकली इस एप्लीकेशन के अंदर जाके अपनी वो उसको कल कर रहा हूँ तो वो एप्लीकेशन करती क्या है कि मेरा होस्ट नेम प्रिंट करती है, इसका ये काम है जस्ट। तो थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेता हूँ, क्लियर किया, कल दोबारा किया। लिनक्स या CLI के अंदर आपको वेबसाइट व्यू करनी हो तो आप कर्ल करते हैं हमेशा, कर्ल HTTP लोकल होस्ट, मतलब इसका ये लोकल IP है, 8888 पोर्ट के ऊपर उसको कर्ल किया तो उसने मेरा होस्ट नेम प्रिंट कर दिया। तो यही मेरी पाइथन की एप्लीकेशन करती है। उसे किल करना हो तो आप इसे ये कमांड चलाएंगे तो 1% ये किल के थ्रू इसकी वो बैकएंड प्रोसेस किल हो चुकी है। अब वो कहता है नाउ सी दैट डॉकर कैन, नाउ सी हाउ डॉकर कैन हेल्प, डॉकर आप किस तरह हेल्प करता है। डॉकर इमेजेस आर डिस्क्राइब एट डॉकर फाइल, डॉकर अलाउज स्टैकिंग ऑफ इमेजेस, योर डॉकर इमेज विल बी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग इमेज लाइब्रेरी पाइथन दैट हैज बीन प्री इंस्टॉल्ड। तो आपकी जो पाइथन की लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल की है सबको पैक किया जाएगा और उसकी डॉकर फाइल बना दी जाएगी। तो यहाँ पर एक डॉकर फाइल पहले की बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसने बनाई हुई है, ये डॉकर फाइल पहले की बनी हुई है। अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ उसमें लिखा गया हुआ है तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारी चीज़ हमने इंस्टॉल की थी फ्रॉम लाइब्रेरी एल्पाइन के, तुम जो इमेज है इस्तेमाल करो पाइथन की, पाइथन 3.6.0 पाइन की इमेज यूज करो, उसके बाद उसके अंदर टोनेडो की लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, उसके बाद तुम उसका जो वेब सर्वर डॉट पाई है उसको स्लैश वेब सर्वर पाई मतलब रूट के ऊपर उसको कॉपी कर दो। ये ऐड की से कॉपी हो रही है, कॉपी वेब सर्वर पाइथन ऐप, ये टोनेडो की लाइब्रेरी हो रही है और ये हम एक इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन प्री इंस्टॉल्ड है। सो सेट द डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन कमांड फॉर द इमेज, वो इस तरह होगी।
सी एम डी पाइथन और ये स्नेक्स के अंदर राइट की हुई है। डॉकर फाइल में पूरा एक प्रोसेस दिखाया जाता है कि हमारी किस तरह पूरी एप्लीकेशन रन होगी, ये पूरी प्रोसेस लिखा होता है इसके अंदर विद इंक्लूडिंग द लाइब्रेरीज। तो डॉकर फाइल आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं कि राइट मी ए डॉकर फाइल फॉर रनिंग पाइथन लारावेल वर्डप्रेस एवरीथिंग यू वांट, कि मैंने पाइथन चलानी है, लारावेल चलानी है, गो चलानी है, उसकी मैं डॉकर फाइल लिख के दो, तो आपको लिख के दे देगा। उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि द इमेज इज स्टोर्ड ऑन लोकल इमेज स्टोर, सो बिल्ड अ डॉकर इमेज विद द वेब सर्वर, विद द वेब सर्वर। तो क्या करना है, डॉकर बिल्ड माइनस टी और इसका नाम इसने दिया, ये हम जो है हम इमेज को लोकल स्टोर पे करने लगे सेव। सो डॉकर बिल्ड माइनस टी उस फोल्डर में आकर चलाया था जहाँ पे आपका कोड पड़ा होता है। जब ये मैंने किया तो इसने क्या किया कि मेरी इमेज पुल की पाइथन की, उसके बाद मेरी वो पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, फिर उसके बाद पुल किया। सो ये मेरे लोकल एनवायरनमेंट के अंदर मेरी इमेज को बना रहा है, अब इमेज बन चुकी है डॉकर इमेजेस। डॉ एस यू कर लेता हूँ, डॉकर इमेजेस, हाँ डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ। तो मेरे पास पाइथन वेब सर्वर की इमेज लोकली ये आ चुकी है, ये लोकली V1 के साथ जो मैंने बनाई है उसका टैग लगाया है। मैंने कमांड आपको दोबारा दिखा देता हूँ, कमांड के साथ कमांड मेरे पास ये रही। सो V1 टैग के साथ मैंने एक इमेज बनाई है जो कि इमेज है, यहाँ पे ये शो हो रही है, टैग रिपोजिटरी और इमेज का आईडी है, 18 सेकेंड्स पहले क्रिएट हुई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मेरे पास इमेज इज स्टोर्ड इन लोकल मशीन टू इंक्लूड एंड देन द डॉकर टेल्स टू स्टार्ट लुकिंग फॉर डॉकर फाइल द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब वो क्या कर रहा है कि कहता है कि इसको रन करें, कह रहा है कि इसको जरूर लगाना है, एक फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना। तो बताता है कि डॉकर फाइल करंट रजिस्ट्री में जब भी आप डॉकर बिल्ड कर चलाते हैं ना, तो उस फोल्डर के अंदर ना डॉकर फाइल पड़ी होनी चाहिए। क्लियर करता हूँ, दोबारा चला देता हूँ, जिस डायरेक्टरी में भी आप ये कमांड चलाते हैं ना, वहाँ पे डॉकर की फाइल पड़ी होनी चाहिए, तब वो डॉकर की इमेज बनती है, उसके बिना नहीं बनती। अब उसको रन करने के लिए कमांड है, वो रन चलाएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल पोर्ट दी है, इंटरनल पोर्ट 8888, एक्सटर्नल पोर्ट 8888, इसको रन कर दो। अब ये लोकली चलाई थी, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको चेक करेंगे कल लोकल होस्ट 8888 टू ट्राई एक्सेसिंग वेब सर्वर स्टॉप द कंटेनर। अभी हम कहते हैं कि रन करेंगे, रन हो चुका है, ठीक है, वेब सर्वर स्टॉप द कंटेनर, होस्ट ने प्रिंट कर दिया उसने, अभी एक कंटेनर के अंदर रन हो रही है। पहले क्या किया था हमने, पहले हमने क्या किया था कि हमने इसको रन किया था इसके थ्रू लोकली बैकग्राउंड के अंदर, मतलब सिस्टम पे डायरेक्ट एक्सपोज करके चलाया था। अभी इस एप्लीकेशन को पैकेज करके हम चला रहे हैं कंटेनर के अंदर, सो एक कंटेनर के थ्रू हम चला रहे हैं। अब कंटेनर के थ्रू चला रहे हैं, इसमें इमेज हमने डिफाइन की हुई है, उसकी पोर्ट डिफाइन की हुई है, नाम डिफाइन किया हुआ है, अब उसको हम चला रहे हैं तो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कंटेनर के अंदर ही। पहले हमने सिस्टम पे एक्सपोज किया था, हमने कंटेनर के थ्रू एक्सपोज किया है। अब इसको रिमूव करना होता है, रिमूव की कमांड ये वाली है, डॉकर है, मैं इसका नाम दिया, ये रिमूव हो गई। सो द वेब सर्वर एंड ऑल इट्स डिपेंडेंसी पाइथन टोनेटो लाइब्रेरी हैव बीन पैकेज्ड इनटू अ सिंगल डॉकर इमेज। वो बात कहता है कि पाइथन टोनेटो लाइब्रेरी सब कुछ एक इमेज के अंदर उसने पैक की और ये किसके अभी शेयर किया, रनिंग फॉर्म का एक सॉफ्टवेयर आपका बन गया। तो कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको हमेशा पहले डिपेंडेंसी और पैकेज को इंस्टॉल करके कोड को एक्सपेंडर फॉर्म में रखकर उसके बाद आप उसकी इमेज को बनाते हैं, फिर उस इमेज को किसी को भी देते हैं। इसके बारे में बता रहे कि डॉकर इमेज फंक्शन द सेम वे द डॉकर सपोर्टेड OSX किसी पे भी सेम फॉर्मेट में चलता है। अब इसको किसी रजिस्ट्री पे अपलोड करना है, सो कहता है कि सबसे पहले अपने आपको राइट्स दें, जो कि मैं सूडो एसयू कर रहा था। मैं एग्जिट करता हूँ, अब मैं अपने मोड में दोबारा आ गया हूँ। इस कमांड से जो मेरा करंट यूजर है उसको उसने डॉकर के ग्रुप पे राइट्स दे दी हैं। अगर मैं डॉकर इमेजेस करूँगा ना तो मेरी वो कमांड चलेगी, ये वाली कमांड डॉकर इमेजेस ls, इस पे एरर दे रहा है, दिस असाइंड यूजर टू ग्रुप डॉकर टू सूडो पुश इमेजेस टू। अच्छा, ये इसे मैं पुश करने के राइट्स करने के अभी वो राइट्स नहीं है। कहते हैं कि आप एक काम करें कि आप यहाँ पे आ जाएं, किक स्टार्ट में तो पहले ही हूँ, इन द न्यू सेशन स्टोर योर जिस भी प्रोजेक्ट नेम एनवायरमेंट वेरिएबल। अब यहाँ से मुझे कहता है कि आप अपना डॉकर का राइट्स दें, ठीक है, एग्जिट कर दें, एंड न्यू सेशन टेक ग्रुप चेंज टेक टाइम, कह रहा है ग्रुप चेंज टाइम लेता है थोड़ा सा,
अच्छा जी, स्टोर योर प्रोजेक्ट नेम इन द एनवायरनमेंट वेरिएबल। सबसे पहले क्या है कि अपने प्रोजेक्ट का जो नाम है ना, आपके प्रोजेक्ट का नाम है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है। सो इसको कहते हैं कि एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव करवाएं। ये उसने कमांड दी गया, उसकी क्लियर किया। ये क्या करेगा कि मेरे GCP अंडरस्कोर प्रोजेक्ट का एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर G0 कन्फिग दिस प्रोजेक्ट फॉर्मेट वैल्यू के अंदर जो भी इसकी वैल्यू सेव करवा देगा। मैं इसे एको करता हूँ तो एको डॉलर वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए कमांड होती है। सो ये मेरा उसने नाम सेव कर दिया प्रोजेक्ट का। अब ये करता है कि डॉकर बिल्ड कमांड चलाता है, ये GCI.ai ये पूरी कमांड है, और इसको मेरी जो इमेज है, ये इमेज का नाम था, इसको पुश कर रहा है डॉकर के जो डॉकर रजिस्ट्री गूगल की, इसके अंदर अभी टाइम दे रहा है, कह रहा है ये थोड़ा टाइम देता है। इसको मैं दोबारा बंद करता हूँ, मशीन दोबारा चलाता हूँ। उसने लिखा भी बात कि टेक्स टाइम, सो इसको मैं दोबारा चला देता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं पुश करवा रहा हूँ अपनी कंटेनर रजिस्ट्री पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँ बड़ा, यहाँ पे इंटर कर दूँ, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट आ गई है। पहले मुझे फिर से इसका वो वैल्यू सेव करवानी पड़ेगी, वैल्यू सेव हो गई है। अब मैं इसको पुश करवाता हूँ, डॉकर फाइल जो है वो उसने एलिमिनेट, अभी तक नो सच फाइल और डायरेक्टरी अनेबल टू। अब मैं क्या करता हूँ, सूडो SU कर देता हूँ, ये मेरा काम जल्दी हो जाएगा। सो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स कह रहा है मुझे, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में नहीं हूँ, मेरा फॉल्ट मैंने ट्रेस कर दिया है। एग्जिट करता हूँ, क्लियर करता हूँ, CD किक स्टार्ट करता हूँ, एलएस करता हूँ, और मैं यहाँ से डॉकर बिल्ड माइनस टी, ठीक है, इसने इसको कर दिया है पुश। अब ये रजिस्ट्री नेम के साथ मैंने क्या किया है कि रजिस्ट्री नेम के साथ मैंने अपनी रीबिल्ड की है डॉकर इमेज विद अ टैग दैट इंक्लूड्स द रजिस्ट्री नेम GCRIO एंड द प्रोजेक्ट ID एज अ प्रीफिक्स। उसके यहाँ परमिशन है नहीं आएगा तो कह रहा है कि आप सूडो कर लो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है कि आप मेक द इमेज पब्लिकली एक्सेसिबल किस तरह करनी है, ये पाथ डिफाइन करना है इसका, कॉन्फ़िगर डॉकर एंड जीकर कंटेनर रजिस्ट्री क्रेडेंशियल हेल्पर, यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू डू दिस वंस, एक दफ़ा करना पड़ता है, ठीक है। ये कोई क्रेडेंशियल हेल्पर बता रहा है मुझे, ये मैंने कर ली है कॉन्फ़िगर। उसके बाद पुश द इमेज टू GCRIO कंटेनर रजिस्ट्री, पुश करनी है इमेज, तो मैं ऐसे इसको मैं यस कर दूंगा, एक प्रॉम्प्ट मांग रहा था मुझसे, ठीक है। पहले डॉकर रजिस्ट्री को ऑथेंटिकेट करवाया, वहाँ पे पुश करवा रहा है, डॉकर पुश GCRIO GCP इन्वायरमेंट और मेरी इमेज का नाम, तो ये पुश हो रही है मेरी कंटेनर रजिस्ट्री पे। और यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सेसिबल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आप नेविगेशन मेन्यू में जाएं और आप अपनी स्टोरेज में देखेंगे तो आपके पास ये इमेज पड़ी होगी, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से इधर से यहाँ पे और यहाँ से इधर यहाँ पे स्टोरेज में जाता हूँ, क्लाउड स्टोरेज, यहाँ से मैं जाता हूँ बकेट्स में, ये आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री है कंटेनर्स इमेजेस, और ये उसके जितने भी बंडल अब स्टैक्स हैं जो लाइब्रेरीज थी सारी उसने एक फॉर्म में रखी हुई है मेरी इमेजेस के नाम से एक। और अब इसमें क्या है, आगे मूव करते हैं लैब की तरफ। इसको मैं अगर करूँ यहाँ से इस तरफ, सो कहता है कि यू विल सेम इमेज लाइक दिस, इस तरह आपको बकेट का नाम मिलेगा। सो कह रहा है कि इसको अपडेट करें परमिशंस को स्टोरेज बकेट की, अपडेट किस तरह करूँगा, इस कमांड से बकेट को पब्लिकली अलाउ करवा दूंगा। सो ये मैंने क्या किया कि इस कमांड से अपनी बकेट को पब्लिकली एक्सेसिबल कर दिया, और
इसको पब्लिकली एक्सेसिबल कर दिया, यहाँ से भी कमांड और चलाई। अच्छा अभी इमेज पब्लिकली एक्सेसिबल हो गई है, मतलब जो उसकी इमेजेस अंदर पड़े हुए थे वो दुनिया भर से कहीं से भी एक्सेस हो सकते हैं। अब वो कहता है रन द वेब सर्वर फ्रॉम एनी मशीन। अब कहता है कि द डॉकर इमेज नाउ कैन बी रन फ्रॉम एनी मशीन दैट हैज डॉकर इंस्टॉल्ड एंड रनिंग द फॉलोइंग कमांड। कहीं से भी आप कमांड को रन करने चला सकते हैं। यू कैन टेस्ट इट बाय इन योर वर्चुअल मशीन बाय टाइपिंग दी। अब वी इंस्टॉल री यूजिंग कॉल फ्रॉम कमांड अबव। मैं काम करता हूँ ना डॉकर कंटेनर करता हूँ डॉकर पीएस। अभी कोई भी कंटेनर ही रन हो रहा, ठीक है क्लियर किया। तो मैं इसको रन कर देता हूँ डॉकर पीएस। सो ये मेरा कंटेनर रनिंग फॉर्म में आ गया है। अब इसे मैं लोकली कर्ल करूँगा तो ये दोबारा मेरे पास कर्ल 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 कल की कमांड क्या थी, कर्ल http लोकल होस्ट 8080 आई गेस 8888 8888। कल http दिस आई मिस्ड। सो ये मेरा इसने वेब सर्वर का नाम प्रिंट कर दिया। तो मेरी एप्लीकेशन को पब्लिकली एक्सपोज इमेज को मैंने किया और कहीं से भी कंटेनर की फॉर्म में उस इमेज को रन कर दिया इस कमांड के थ्रू। सो डैट इज़ हाउ आई मेड द इमेज एंड मेक इट पब्लिकली एक्सेसिबल एंड रन इट एनीवेयर। ये 3 स्टेप्स हैं इसके। उसके बाद मैं सेंड करता हूँ एग्जिट और ये मेरी लैब का एंड है, ठीक है। सो डैट इज़ अबाउट द एंड। अब स्टेप्स दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ और स्टेप्स पे दबा दे आते हैं आपको एक दफ़ा। इसे क्लोज करते हैं। सो ये हमारे स्टेप्स क्या थे? स्टेप्स हमेशा हमेशा यही रहते हैं किसी भी कंटेनर एप्लीकेशन को बनाने के लिए। पहला स्टेप कोड, दूसरा स्टेप इमेज को बिल्ड करना डॉकर बिल्ड की कमांड से, तीसरा स्टेप उसको टैग लगा के पुश करना कंटेनर रजिस्ट्री में, चौथा स्टेप के कहीं से भी उसको, तीसरा स्टेप कहीं से भी उसको रन कर सकते हैं उस इमेज को पब्लिक बनाने के बाद। चाहे फिर उसे एजूर पे चला दो, अमेजोन पे चला दो, आपकी इमेज पब्लिक हो गई ना कहीं से भी उसको आप चला सकते हो, लेकिन कंटेनर रजिस्ट्री आपके साथ ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, डेट इज कंपल्सरी उस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ से आप इमेज को मतलब कि पुल करके चला रहे हैं। तो ये हमेशा 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करके चलाने के लिए। सो दैट इज द एंड ऑफ माई लैब टुडे। आई होप कि आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ आई होगी कि हम किस तरह डॉकराइजिंग करते हैं और एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो इंशाल्लाह फिर इस सीरीज़ में इंशाल्लाह अगली लैब जो होगी है वो क्यूबेंटिस के ऊपर होगी कि क्यूबेंटिस के ऊपर हम किस तरह एप्लीकेशन को इमेजेस को कंटेनर्स को स्पिन अप करते हैं, क्यूबेंटिस में क्या क्या फीचर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।